हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेहरे की झुर्रियों को हमेशा के लिए हटाने का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे से फ्रेंड्स आपके चेहरे की झुर्रियां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारे चेहरे पर झुर्रियां जब हो जाती हैं तो फ्रेंड्स धीरे धीरे वो काली होती चली जाती है, जिससे कि फ्रेंड्स हमारे चेहरे की सुंदरता छिप जाती है। अगर आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपके चेहरे पर झुर्रियां बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं और अनेक प्रयत्न करने के बाद, अनेक दवाइयां खाने के बाद, अनेक क्रीमें और अपने चेहरे पर फेशियल करवाने के बाद अगर आपके चेहरे पर से झुर्रियां नहीं जा पा रही हैं, तो एक बार इस नुस्खे का यूज़ कीजिए। इस नुस्खे के यूज़ से आपके चेहरे की झुर्रियां हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। इस नुस्खे में आज मैं यूज कर रही हूँ कोलगेट का। कोलगेट फ्रेंड्स हमारे चेहरे से झुर्रियों को ऐसे हटाएगी मानो जैसे कभी हुई ही ना हो। कोलगेट के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे चेहरे की झुर्रियों को ठीक करने का कार्य करता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर आप अपनी झुर्रियों पर लगा लेते हैं तो आपके चेहरे की झुर्रियां हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। सबसे पहले आपको लेना होगा एक क्लीन बोल और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा चावल का आटा। आपको फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच चावल का आटा ऐड कर देना होगा। जब हम चावल के आटे से अपने चेहरे पर मसाज करेंगे तो ये हमारे चेहरे पर एक स्क्रबिंग का कार्य करेगा। ये हमारे चेहरे के रोम छिद्रों के अंदर जाएगा और वहाँ पर झुर्रियों को ख़त्म करने का कार्य करेगा। एक ही बार में आप इसकी काफ़ी फर्क देखेंगे। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा आधे कटे नींबू का रस। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिससे कि हमारे चेहरे पर हुई झाइयाँ झुर्रियाँ तेजी से गायब होने लग जाती हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है क्योंकि विटामिन सी की कमी के कारण ही हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ होने लग जाती है। तो आपको इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर देना होगा। इसके बाद एलोवेरा जेल आपको इसमें ऐड कर देना होगा। एलोवेरा जेल हमारे चेहरे पर चमक लाता है और दाग धब्बे, रिंकल, पिंपल्स आदि से छुटकारा दिलाने का भी कार्य करता है। ये हमारे चेहरे पर हुई झुर्रियों को भी गायब कर देगा। आपको इसमें आधे चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल को ऐड करना होगा। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा कोलगेट। जितना आप ब्रश करते टाइम यूज़ करते हैं उतनी क्वांटिटी में आपको इसमें टूथपेस्ट को ऐड करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आप इसमें कोलगेट को ऐड कर दीजिएगा और इसके बाद आप इसे मिक्स कीजिएगा। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो कोलगेट की सहायता से थोड़ा फूल जाएगा, लेकिन आपको इसे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना होगा। देखिए ये कितनी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना होगा। जिस भी हिस्से में आपके झुर्रियां पड़ी हुई हैं उस हिस्से में आप इसे लगा लीजिएगा। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा के लिए अपनी झुर्रियों छुटकारा पा सकते हैं। पहले आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए और 2 मिनट की मसाज कीजिए। बहुत ही हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज कीजिएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट तक आप इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। इस नुस्खे को आपको वीक में 3 बार यूज करना है और एक ही वीक में आप अपने चेहरे पर हुई झुर्रियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो आप इसका यूज कीजिए और अपने चेहरे को सुंदर, गोरा और बेदाग बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।